जिन शासन में अनेकों आचार्य भगवंत वैसे हुए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग विस्तारों में जाकर के जैन धर्म की प्रभावना करी। और शायद वो गुरु वहां नहीं जाते तो वहां के लोगों तक जैन धर्म नहीं पहुंच पाता। ऐसे अनेक गुरु भगवंत हुए जिन्होंने भारत के अलग अलग प्रांतों में जाकर के अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग विस्तारों में जाकर के शायद खुद को परेशानी आए, शायद खुद को दिक्कत आए, लेकिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे जाकर के जैन धर्म का डंका बजाया। पंजाब की बात आए तो जैन आचार्य विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज साहब याद आते हैं। लगातार अनेकों चतुर्मास करके वहां पे जैन धर्म के जाहो जलाली करी, वहां पे अनेकों मंदिर बनवाए, अनेकों शिक्षा धाम बनवाए, उन्होंने पंजाब का उद्धार किया। बात यदि सौराष्ट्र की आए तो शासन सम्राट निमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब याद आते हैं। वहां जाके अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो तीर्थ स्थान है वो तीर्थ स्थानों को जीर्णोद्धारित करने का, वो तीर्थ स्थानों का संशोधन करने का, वो तीर्थ स्थानों को उजागर करने का, वो तीर्थ स्थानों को लोगों की नजर में लाने का काम यदि किया है तो शास्त्र सम्राट निमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब ने किया है। बात यदि बनासकांठा और कांकरेज प्रदेश की आए तो गुरुदेव भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब याद आते हैं कि शायद गुरुदेव भक्ति श्रीश्वर जी महाराज साहब कांकरेज प्रदेश में विचरण न करते, वहां न जाते तो शायद जैन धर्म वहां पहुंचता नहीं, वहां के लोगों को जैन धर्म के बारे में समझाते नहीं तो शायद आज भी वहां लोग अज्ञानी होते। लेकिन भक्ति श्रीश्वर जी महाराज साहब की महती कृपा है कि वहां जाकर के उन्होंने जैन धर्म को जगाया। बात यदि भीनमाल राजस्थान की आए, वो पूरे क्षेत्र की आए तो आचार्य भगवंत राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब याद आते हैं। बात यदि थराद किया है तो आचार्य भगवंत राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब याद आते हैं, उन्होंने वहां जाकर के जैन धर्म की अहलक जगाई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितने भी गुरु भगवंत हैं उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जैन धर्म का डंका बजाया। लेकिन जैन आचार्य विजय धर्म श्रीश्वर जी महाराजा एक ऐसे आचार्य भगवंत थे जिन्होंने मात्र भारत में नहीं लेकिन विश्व भर में दुनिया भर में जैन धर्म का डंका बजाया। पूरी दुनिया में जैन धर्म का डंका बजाया। किसने बजाया? आचार्य धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहब ने बजाया। यहां अनेक गुरु भगवंतों ने काम किया, यहां पर अनेक गुरु भगवंतों ने लोगों को उद्धार करने का कार्य किया, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के बाहर के देशों के भीतर चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कहां पर भी हो, वहां पर जैन धर्म का दुनिया में डंका बजाने वाले यदि कोई आचार्य भगवंत थे तो विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहब। आपको लगेगा कैसे? विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहब की ज्ञान प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी, उनके पास ज्ञान की ताकत इतनी जबरदस्त थी, उनके पास ज्ञान की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया भर के विद्वान उनके पास पढ़ने के लिए आते थे, दुनिया भर के विद्वान उनके पास अभ्यास करने के लिए आते थे, दुनिया भर के विद्वान उनके पास जैन धर्म को समझने के लिए आते थे। और चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, वहां तक वहां के विद्वानों तक जैन धर्म को पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया तो जैनाचार्य विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहब ने किया। आपको शायद पता ना हो, जर्मनी के एक विद्वान थे डॉक्टर हरमन जैकोबी जो बनारस में आए हुए थे। उनको कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना था जो जैन धर्म उनको समझा पाए, और बनारस में गंगा तट के किनारे पर वो डॉक्टर हरमन जैकोबी चल रहे थे, सामने से एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को आते हुए देखा। साथ में जो इंडियन आदमी था उनको पूछा ये कौन है, कहा कि जैनाचार्य है। इतनी प्रतिभा, इतनी तेजस्विता, ये कौन से आचार्य है? कहा कि जैन धर्म के आचार्य धर्मसुरी जी महाराज है, मुझे उनसे मिलना है। उनके मुख के ऊपर जो तेज है, उनके मुख के ऊपर जो प्रतिभा है, उनके मुख के ऊपर जो शांति का एहसास मुझे होता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और इतिहास ये कहता है कि जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर हरमन जैकोबी यदि जैन धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म के बारे में पुस्तिका लिखी और जर्मनी में जाकर के अनेकों यूनिवर्सिटियों में जैन धर्म का अभ्यासक्रम शुरू करवाया, वो किन की बदौलत? तो जैनाचार्य विजय धर्मसुरेश्वर जी महाराज साहब की बदौलत। इटली के एक विद्वान थे
एलपी टेसिटोरी, इटली के बहुत बड़े विद्वान थे, वो इंडिया आए। रेफरेंस से कहां कहां जानते पहचानते हुए आचार्य विजय धर्मेश्वरी महाराज के पास पहुंचे, और धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के पास पहुंच करके धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए, इतिहास ये कहता है कि हर साल कम से कम 3 बार सप्ताह सप्ताह वो इटली से यहां आते थे और धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के पास रह करके उनके पास से ज्ञान का उपार्जन करते थे। इटली में जाकर के उन्होंने पुस्तिका लिखी विजय धर्मेश्वरी। आज भी आप गूगल के ऊपर डालिएगा डॉक्टर एलपी टेसिटोरी और उनकी लिखी हुई किताबें, सबसे ऊपर किताब का नाम आएगा विजय धर्मेश्वरी। अभी पिछले 3 साल पहले एलपी टेसिटोरी के 100 साल परिपूर्ण हुए, इटली सरकार ने उनके 100 साल मनाए, और जब उनके 100 साल मनाए गए तो उनके 100 साल के उपलक्ष्य में उनकी विजय धर्मेश्वरी किताब जो है वो इटली की सरकार ने पुनः प्रकाशित करी। ये ताकत हमारे जैनाचार्यों में थी, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के कोने कोने में जैन धर्म का डंका बजाने वाले यदि कोई आचार्य थे तो जैनाचार्य विजय धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज थे, जो काशी वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहां से आगे बात करूं, हम लोग पिछले साल शिवपुरी में चतुर्मास थे, उनके ज्ञान भंडारों के अंदर खोजबीन करते हुए एक एक पुस्तिका को देखते देखते एक उर्दू पुस्तिका हमारे हाथ में आई। उर्दू भाषा हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, वहां के श्रावकों को बोला कि गांव में कोई मौलवी हो तो बुला दीजिए, देखिए तो सही ये उर्दू पुस्तिका क्या है, हमारे ज्ञान भंडारों में उर्दू पुस्तिका कैसे पहुंची। उर्दू भाषा में लिखी हुई पुस्तिका गांव के मौलवी को बुलाया गया, बुला करके बताया गया कि यह क्या पुस्तिका है, और तब गांव के मौलवी ने हमको ये बताया, गुरुदेव पाकिस्तान कराची के कोई मौलवी है, उनकी लिखी हुई पुस्तिका है, और कोई जैन आचार्य धर्मेश्वरी महाराज के जीवन के ऊपर लिखी हुई पुस्तिका है। ये जिन शासन के इतिहास में ये एक ऐसे आचार्य भगवंत है जिनके लिए कोई कराची के मौलवी ने पुस्तिका लिखी हो, ऐसा जिन शासन के इतिहास में और दूसरा कोई भी उदाहरण नहीं। मुस्लिम व्यक्ति भी इतना प्रभावित हो और उनके लिए पुस्तिका लिखे, और वो भी कौन सी भाषा में, तो उर्दू भाषा में, वो पुस्तिका हमारे हाथ लगी। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत भर में जैन धर्म का डंका बजाने वाले अनेक आचार्य भगवंत थे, लेकिन दुनिया में जैन धर्म का डंका बजाने वाले यदि कोई थे तो जैनाचार्य विजय धर्मेश्वरी महाराज थे। जर्मनी की एक लेडी थी डॉक्टर शार्लेट कोजे, वो रेफरेंस से वाया वाया विजय धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के परिचय में आई, और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया, वो जर्मनी से पूरा कारोबार सब कुछ छोड़ करके अपना पूरा परिवार त्याग करके यहां आकर के धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के पास ज्ञानाभ्यास किया और अपना नाम तक बदल दिया, सुभद्रा देवी अपना नाम रख लिया, और शिवपुरी के बाजू में जो ग्वालियर शहर है वहां रह करके धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के पास ज्ञानाभ्यास किया। ये ताकत धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के पास। जब धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ तो लंदन टाइम्स, जो यूरोप का सबसे पुराना अखबार है, वो लंदन टाइम्स ने हेडिंग डाला था कि ग्रेट लीडर जैनाचार्य विजय धर्मेश्वरी जी अब नहीं रहे। और आगे तो मैं आपको क्या बताऊं, विश्व की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और विजय धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब का प्रथम जीवन चरित्र यदि किसी ने प्रकाशित किया तो वो विजय धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब के नाम से, उनके ऊपर किताब किसी ने लिखी तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वहां से जीवन चरित्र उनका प्रकाशित हुआ। इतने बड़े विद्वान आचार्य भगवंत थे, और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि समझ लेना, दुनिया में यदि जैन धर्म का डंका किसी ने बजाया तो विजय धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज साहब ने बजाया। यहाँ अनेकों आचार्य भगवंतों ने काम किया, यहाँ अनेकों आचार्य भगवंतों ने शासन प्रभावना करी, यहाँ अनेकों आचार्य भगवंतों ने अपना योगदान दिया, लेकिन पूरी दुनिया में चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, हर जगह पर वहां के विद्वानों को जैन धर्म बताया, वहां के विद्वानों को जैन धर्म सिखलाया, वहां के विद्वानों को जैन धर्म के अनुयायी बनाए और वहां तक जैन धर्म की फिलोसॉफी पहुंचाई। तो किसने पहुंचाई? जैनाचार्य विजय धर्मेश्वरीश्वर जी महाराज ने पहुंचाई।
और कहा यह जाता है कि जब भी गुरुदेव विचरण करते थे तो प्रायः 8 से 10 विदेशी विद्वान उनके पास अभ्यास करने के लिए लगातार साथ में चलते थे। चाहे विहार हो, चाहे एक जगह स्थिरता हो, चाहे चतुर्मास हो, वहां से लोग यहां आते थे, वहां के बड़े बड़े विद्वान यहां आते थे और उनके पास आकर के ज्ञानाभ्यास करते थे। ये ताकत विजय धर्मेश्वर जी महाराज साहब के पास थी। ऋषि मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे डॉक्टर हरमन जैकोबी हो, चाहे एलपी टेसिटोरी हो, चाहे डॉक्टर शार्लेट टोजे हो, चाहे कोई भी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान भी यहां आते थे और उनके पास ज्ञानाभ्यास करते थे। ऋषि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में जैन धर्म का डंका बजाने वाले यदि कोई थे तो जैनाचार्य विजय धर्मेश्वरी महाराज थे। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।